Good morning. Namaste, Namaste Rajendra ji. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. आप सबका एस के वेबिनार में स्वागत है आ, ये हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वतोभद्र चक्र थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सर्वतोभद्र चक्र आया कहाँ से सर्वतोभद्र चक्र जब माता पार्वती और आ, महादेव बैठ के चौसर खेलते थे तो जब चौसर बिछती थी तो जो उसका नक्शा होता था उस बेसिस पे भोले शंकर ने एक दिन इसका निर्माण किया था सर्वतोभद्र चक्र का और ये हमारे शिव पुराण में हमें आ, इसका मिलता है कि उन्होंने शिव माता पार्वती से ये कहा था कि कलयुग में जब इंसान अपने कर्मों से दुखी होगा और अपनी दशाओं से परेशान रहेगा उस वक्त उसका हल करने के लिए सर्वतोभद्र चक्र उसके लिए लाभदायक रहेगा सर्वतोभद्र चक्र जो है वो एक सिंपल सी एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर आपको कोई अनुमान लगाना नहीं होता यानी जैसे वेदिक में और आ, केपी में हम लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करते हैं या अपना अनुमान यूज करते हैं सर्वतोभद्र चक्र में हमें कोई अनुमान नहीं लगाना है जैसे एक गेम खेली जाती है और गेम के कुछ रूल्स पहले से लेड होते हैं कि भाई अगर सूर्य आपका इस नक्षत्र में रहेगा आपके सामने वाले का नक्षत्र राइट साइड का नक्षत्र लेफ्ट साइड का नक्षत्र उस पे क्या असर आएगा सूर्य लता कहाँ मारेगा तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें पहले से ही रूल्स जो है वो लेड रहते हैं उसमें हमें सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स को लेके चलना होता है तो जिस तरीके से हम गेम खेलते हैं मोनोपली बच्चे खेलते हैं या लूडो आप लोग खेलते हो या जो भी कोई खेली जाती है बेसिकली ये एसबीसी जो है वो बोर्ड गेम की तरह ही हम हमारी जिंदगी में काम करता है लेकिन ये ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जिसमें आप लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते जो सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा है और जो हमें बताया गया है शास्त्रों में कि अगर सूर्य इतने पद पर रहेगा इस नक्षत्र के इतने पद पर रहेगा तो क्या इंसान को कैसा सुख या दुख की अनुभूति होगी वो सारी चीजें हमें एस बताता है एस आपका खाली कुंडली देखने के लिए नहीं हमारे शेयर uh, मार्केट में भी इस्तेमाल होता है निफ्टी में इस्तेमाल होता है और दूसरा इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कमोडिटीज जैसे सोना हो गया चांदी हो गई क्रूड ऑयल हो गया पेट्रोल हो गया आपका अनाज हो गया ये मार्केट कैसी रहेगी इनकी आने वाले महीने में ये मार्केट कौन सी मार्केट उठने वाली है और कौन सी नीचे जाने वाली है <coughs> इसमें आपको ये भी पता चलता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज या देसी जो अपने देश की जो कंपनीज हैं वो कैसे आपको बढ़ेंगी या घटेंगी शेयर मार्केट के लिए ये एक ऐसा टूल है जो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिनको एस आता है एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं यही कहूंगी कि हमें इसको अगर कोई इंसान इसको सीखता है वो अपने पर्सनल लेवल पे यूज कर सकता है बिकॉज हम इसको एक तरीके की गैम्बलिंग मानते हैं और गैम्बलिंग जो है वो अगर एस्ट्रोलॉजी को गैम्बलिंग के लिए या इसको uh, जैसे कि पैसे लेके आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मार्केट के बारे में वो आप करोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी आपसे भूल चूक हो जाए लेकिन अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे यूज करते हो और अपने लिए इस्तेमाल करता है इंसान तो उसका कोई पाप या दोष हमें नहीं लगता है ऐसे ही जैसे आपने अब मा, मान लो कि हमने एस को एक कुंडली देखने के लिए इस्तेमाल किया या शेयर मार्केट या कमोडिटीज ऐसे ही जो एक चौथी चीज ये टूल बहुत हेल्पफुल रहता है ये टूल हेल्पफुल हमें रहता है सबसे अच्छा जो ये काम करता है ये करता है कुंडली मिलान में लड़का लड़की की जब हमें कुंडली मिलानी होती है तो एस बी सी से बेहतर कोई चीज हमारे को नहीं दिखती क्योंकि इस, इसके अंदर ऐसे आपको याद होगा हिंदू धर्म में हम 108 पदों की माला पे मंत्र जाप करते हैं ये जो 108 पद हैं ये हमारी जिंदगी के जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं वहां से लेके हमारे सताइसवें नक्षत्र तक 108 पद का मा हमें मिलता है मा जिसको आप कह लो कि मन के हमें मिलते हैं अब उसमें जो 108 पद हमें मिलते हैं वो हर पद जो है वो किसी ना किसी नक्षत्र का रहेगा जैसे ही आप देखोगे कि इंसान का बुरा वक्त या उसकी आ, मृत्यु आ, कब होगी कैसे होगी उसको कब कब दुखाएगा ये सारी चीजें जो 108 आ, पद की हमें आ, आ, बता सकते हैं कि भाई आपको इस समय से इस समय तक आप बीमार रह सकते हो किस चीज की बीमारी होगी <coughs> वो सारी चीजें एसपीसी आपको क्लैरिटी देता है एस पी सी को सीखना बहुत आसान है एस सी कौन कौन सीख सकता है एस पी सी सब लोग सीख सकते हैं इसके लिए कोई भी वैदिक नॉलेज आपको जरूरत नहीं है क्यों उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हमें इंसान जब हमारे पास आता है और जब हम एस पी सी पे उसको बिठा उसका देखते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है उसका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जब हमने लिया उसका तो हमें यह पता चल जाता है कि उस दिन पंचांग में नक्षत्र कौन सा था चंद्रमा का और सूर्य का नक्षत्र कौन सा था बस उस नक्षत्र के बेसिस पे उस दिन प्लेनेट जिस जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा था वो ही सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन लगती है इसके अंदर हम कुंडली के बारह घरों को नहीं लेते हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कौन सा प्लेनेट किसके सामने आ गया कौन से नक्षत्र इस इंसान के एक्टिवेटेड हैं, कौन से नक्षत्र जो है इसके लिए होंगे? कौन से नक्षत्र इसके लिए नुकसानदायक है जब जब चंद्रमा इसका इस इस नक्षत्र में गोचर करेगा यानी जब गोचर होगा चंद्रमा का इसके विपत नक्षत्र में या इसके वाद नक्षत्र में तो वध जब नक्षत्र में या विपत नक्षत्र में तो इसको क्या असर आएंगे तो उस हिसाब से हम इंसान की चार्ट को रीड करते हैं इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल थ्योरी जो हमें महादेव जी ने भोले शंकर ने हमें दी और ये जो uh, सर्वतोभद्र चक्र है इसका जो नाम है सर्वोभद्र चक्र मतलब सबसे सर्व से ऊपर भद्र भद्र मतलब कि शिवजी जी का दूसरा नाम है उनके 108 नामों में से हमें भद्र का नाम मिलता है और चक्र कि भाई उनका एक तरीके का चक्र चक्रव्यू कि भाई ये एक तरीके का चक्रव्यू है इसको आपको रीड करना है और आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं कौन 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 से नक्षत्र के चरण में है एक चीज और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी जो लोग वेदिक जानते हैं या केपी जानते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल टूल रहता है इन द सेंस कैसे कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई इसके फिफ्थ हाउस में चार ग्रहों की आपकी युति है अब चार ग्रहों की युति है लेकिन वो चार ग्रह हो सकता है जब आप सर्वतो भद्र चक्र में उन चार ग्रहों को देखेंगे तो कोई एक आगे के नक्षत्र के एक चरण पे रहेगा कोई पीछे के नक्षत्र के उसके पीछे के नक्षत्र के दूसरे चरण पे रहेगा तो वहां से आपको अंदाजा पूरा हो जाएगा कि ये जो युति हमें आ, कुंडली के जन्म के लगन चार्ट में हमें दिख रही थी वो कैसी डिफरेंट हो सकती है यानी कि भाई जब युति तीन चार प्लैनेट्स तीन नक्षत्रों में बटे हुए हैं तो वो युति कैसे काम करेगी वो तो अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग लॉर्ड के हो गए या चरण भी डिफरेंट हो गए मान लो किसी के आठवें घर में ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा और मंगल पड़े हुए हैं अब मंगल और चंद्रमा जब पड़े हुए हैं एक ज्येष्ठा के तीसरे चरण पर है और एक ज्येष्ठा के चौथे चरण पर है तो वहां से चरण की डिफरेंस भी हो जाना लॉर्ड इनका सेम रहेगा बुद्ध लेकिन चरण का डिफरेंस हो जाना मंगल की एट्रीब्यूट्स अपने आप बदल जाएंगे चंद्रमा के अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे जो तो आगे की तरफ होगा जो प्लैनेट आगे की तरफ होगा यानी जो चौथे चरण का प्लेनेट रहेगा और जो पीछे तीसरे चरण का प्लैनेट रहेगा वो तीसरे चरण का प्लैनेट जो है वो आगे के चरण के प्लैनेट्स के हूबहू उसके एट्रीब्यूट्स ले लेगा तो इस तरीके से हमें काफी बारीकियों तक ग्रह को पढ़ने की भी हमें ये एसपीसी देता है एस में हमें जैसे कि कहा गया कि हर रूल पहले से ही लेड है हमें इसमें कुछ भी नहीं सोचना समझना होता और एस जो है वो बहुत आसान विद्या है अगर आपको लॉजिक या उसके फंडामेंटल्स और उसके प्रिंसिपल समझ में आ गए तो एस बी सी आप लोगों का डेली रूटीन का एक टूल बन जाएगा आपने यात्रा करनी है आपने कोई नया काम करना है आपने कहीं भी निकलना है काम के लिए तो आप एसपीसी का चक्र देख के सुबह में आप निकल सकते हो तो उस वजह से आप एसपीसी करना हम सब हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत आवश्यक टूल है इसमें हमें अपनी दिनचर्या हमारा दिन कैसा जाएगा या हमें दिन में क्या करना है क्या हमारे ऊपर किस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर आज ज्यादा है उस हिसाब से हम इस सब चीजों को समझ और कर सकते हैं अभी किसी का अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज हैंड रेस करें तो मैं एक एक का सवाल ले सकती हूं टीम प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर दें ताकि एसबीसी की सारा स्ट्रक्चर हम लोग शेयर कर सके राजेंद्र जी आप अनम्यूट करके बात करें अनम्यूट मैंने दिया आपको ऑप्शन आपकी आवाज नहीं सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ, आ रही पूछना था मैडम आपसे कि ये हुँ? एक सौ आठ पद अपन इसमें लगाते हैं मतलब नक्षत्रों के आधार पे तो उसमें अभिजीत का और अभी जीत का लगाते हैं जो तो सेवन और उसके बीच में आता है तो लेकिन डिग्री तो अपने पास तीन सौ साठ डिग्री की होती है तो एस बी सी में हैं, S... तो वो फिर इससे एक सौ बारह मतलब डिग्री हो जाती है तो नहीं वो ऐसा नहीं होता है क्या ऐसा नहीं ये होता, होता है, है। हाँ हम हाँ, लोग जो इंसान है जो ह्यूमंस है जो इस जन्म इस धरती पे इंसान की उसमें जन्म लेते हैं उनके लिए हम अभिजीत नक्षत्र नहीं लेते हैं कोटा चक्र में हम अभिजीत नक्षत्र को ऐड करते हैं लेकिन SBC में जब हमने अपना चक्र देखना होता है तो उसमें हम अभिजीत नक्षत्र नहीं लेते हैं अनलेस किसी का चंद्रमा अभिजीत के अंश पर आ जाए उस केस में हमें थोड़ा सा चंद्रमा की डिग्री पे देख के लेना पड़ता है अदरवाइज हम इंसान के लिए अभिजीत नक्षत्र बहुत बहुत कम है और बहुत बहुत लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका चंद्रमा जस्ट क्रॉसिंग हो रहा था और वो जन्म होता है अदरवाइज हम लोग इसमें एस में एक सौ आठ आठ पद ही लेते हैं हम अभिजीत नक्षत्र को अपने लिए नहीं काउंट करते हैं जी और, और किसी का सवाल दे जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं नमस्ते मैम मुझे जानना था कि ये जो कोर्स है वो किस तरह से मतलब पढ़ाया जाएगा मतलब किस चीज किस मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई हूँ तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया किस किस चीज के ऊपर कैलकुलेशन होता है और क्या क्या हम लोगों को सिखाया जाता है मैम मैं भी नया ज्वाइन हुआ हूँ दिनेश अच्छा ओके मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ ये जो एस पी सी का कोर्स होता है ये हम हमारे पास आपको पी डी एफ पूरा मिलेगा और प्लस आ, स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाएगा दूसरा इसके अंदर आपको कुंडली देखना अगर नहीं आता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कोई योग कोई कुंडली इसमें नहीं लगती है हमें सिर्फ इंसान का जन्म की तारीख चाहिए होती है और उस दिन का चंद्रमा का नक्षत्र या गोचर में ग्रहों की स्थिति को हम लेते हैं बाकी उसमें टाइम आपको जो सामने वाला देगा उस टाइम पे कहाँ पे कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में था बस उसमें होता है प्लस इसमें आपको एस बी सी को ड्रॉ करना सिखाया जाएगा और इसमें एक सॉफ्टवेयर आप लोगों के मोबाइल फोन्स पर आता है वो पेड सॉफ्टवेयर है आई थिंक सात सौ का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आप लोग अपने फोन में ही डाउनलोड करके उसी से आप पूरा एसपीसी कर पाओगे इसके लिए आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता दूसरा फ्री का सॉफ्टवेयर भी आता है जो जगन्नाथ होरा जो फ्री सॉफ्टवेयर है आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे उसको भी डाउनलोड करके उसमें भी एस को देख सकते हो तो आपको क्लासेस में जगन्नाथ होरा जो मेरा पेड सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बता दूंगी कि जिसको अगर चाहिए तो उस पर भी सिखा सिखाया जाएगा और फोन के ऊपर भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा उस पर भी आप अपना सीख सकते हो प्लस आपको ड्राइंग के साथ पूरा सिखाया जाएगा सी वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कोई भी वैदिक नॉलेज नहीं है क्योंकि ये इसमें हम कुंडली नहीं देखते हम सिर्फ एस चक्र ही देखते हैं इससे क्या पता लगेगा इससे आप शेयर मार्केट कमोडिटीज यानी सोना चांदी जितने भी मेटल है उसकी राइज एंड फॉल दूसरा इंसान की आ, आने वाला टाइम कब आप बीमार पड़ सकते हो आपको नुकसान हो सकता है या यानी हर चीज जो आप कुंडली दिखाने पे पूछते हो वो हर चीज आपको एसबीसी जवाब दिया है जी. तो इस मतलब, है, मतलब सकते हैं आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है मैं, मैं कह रहा हूं, इससे जैसे कुछ भी मालूम कर सकते हैं जी इससे जैसे कि कुछ भी इन द सेंस कि कुछ भी जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें अलाउ करती है मालूम करने के लिए वो सारी चीजें आप वैसे सी से मालूम कर सकते हैं जैसे कुंडली जैसे कुंडली बताते हैं जैसे कुंडली बताते हैं कुंडली हाँ वैसे ही इसमें एडिशन आप क्या चीज ले ले सकते हो जिसमें शेयर मार्केट आ, से निफ्टी कमोडिटीज और कंपनीज की भाई कैसा दुश्वार्ण, रहेगा दुश्वार्ण, मौसम मतलब हाँ वो सारी चीजें आप देख सकते हो जी जी, जी, और मैम कितने दिन का रहेगा कोर्स ये दो महीने का कोर्स रहेगा आ, मैं टीम से कहती हूँ कि वो आ, स्क्रीन शेयर कर दें जी मैम कोई लाइट नहीं दिखा सकते हैं आप आई एम सॉरी मैं आज जो है ना अचानक से ये वेबिनार आया है आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट क्योंकि uh, मैं ये जरूर बोलूंगी टीम से कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो फर्स्ट क्लास रहेगी इसकी जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो वो हम ओपन छोड़ देंगे उस दिन मैं आपको पूरा डेमो uh, और उसके बेसिक uh, कुछ उस पे दिखा दूंगी देन uh, एक नेक्स्ट uh, क्लास से फिर हम शुरू कर सकते हैं सो टुडे इज़ नो नो, डेमो। आई आई मीन लाइक यू 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 शो व्हाट एम सॉरी, या। जी, जी, जी। मैम ये पता करना है, है तब भी क्या हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हाँ, जैसे कि हम लोग वो लेते हैं अ देखते हैं कि अ जैसे आपने टाइम ताँ, जिस टाइम वो बंदा आपके पास आया उस समय का भी आप लेके देख सकते हो लेकिन उस इंसान को ये तो मालूम होगा कि भाई लगभग कौन कितनी उम्र का है वो तो आप उसको हाँ, बैक ट्रेस भी करा नहीं जैसे एक एक है ही भी है जिनको ना कटते अपना टाइम बस इतना पता है कि वो शाम के वक्त क्योंकि दिवाली के लेकिन उनका टाइम देखते हुए मेरी जन्म पत्नी जो है हो गई है तो उनका मतलब हम कैसे देख पाएंगे इसमें देख पाएंगे हम हाँ उसमें बिल्कुल देख पाओगे ना उसमें देखो जो उन्होंने लगभग टाइम जो बताया उस समय देखो चंद्रमा जो है वो आप ये देखें ना इसमें हम लगन नहीं देख रहे कि भी जब हमारे पास कुंडली पक्की होती है तो हमें ये पता होता है कि ये इस लगन का इंसान है।, है इसमें हम लगन नहीं देख रहे हम कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे हैं हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई इस इंसान की स्थिति कैसी है इसके, इसके ग्रह स्थिति कैसी है अब वो ग्रह स्थिति okay. तो इंसान की उस दिन के हिसाब से रहेगी ना जिस जो डेट है उसने दिया आपको जो टाइम उसने दिया उस वक्त चंद्रमा mm. कौन से नक्षत्र के कौन से चरण पर है ऐसे ही बाकी ग्रह भी बैठे होंगे वो तो कोई आ, वो है ही नहीं कि वो तो सारा वो तो उस समय का गोचर था क्योंकि जैसे वो बता रहे चार से छह का उनका मतलब इस बीच में में तो लेकिन लेकिन हैं ना हर सेकंड ग्रह चेंज होते रहते नहीं नहीं हर सेकंड में ग्रह नहीं चेंज होते हर सेकंड में तो बिल्कुल भी, भी ग्रह चेंज नहीं होते और ग्रह जब जो चंद्रमा है लगन जो है वो आपका हर दो घंटे में बदलता है तो लगन, तो लगन बदलता में बदलता इस वही मैंने कहा कि एसबीसी में आपको लगन से कुछ भी काम नहीं है सिर्फ जैसा तो 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 अपना रनिंग करेगा ना जैसे कि अभी सपोज अश्वनी नक्षत्र में चल रहा है चंद्रमा बराबर पहले चरण में गया तो तीसरे में गया चौथे में गया तो सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा ना क्योंकि उसको वेद करने वाले जो हाँ, वेद करने वाले तो लेकिन उसका देखो तो पहला चरण जो तो हाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सारा नहीं फर्क देखें अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण पर है अब वो चंद्रमा के तीन तरफ के वेद होते हैं साम वेद और लेफ्ट एंड राइट का वेद वो चंद्रमा और सूर्य का वेद रहता है ऐसा अभी आप ये देखोगे कि जो अगर वो दूसरे चरण में अश्विनी के है तो जो सामने वाला जो वेद रहेगा वो सामने नक्षत्र, नक्षत्र के तीसरे तरफ तीसरे चरण पे वेद करेगा तो इस तरीके से वो सारी चीज आपको आपको तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मतलब कि आप किस किस दिन आपका जन्म होता है अप्रॉक्सीट टाइम तो वो तो अपने आप ही आपको वो बता देगा ना उसमें तो आप ये लॉजिक है कि भाई आप खुद ही बैठ के देख लोगे कि भाई इतने समय से इतने समय इस समय चंद्रमा इसी चरण में था अब उसने आगे जब आप उस टाइम से दो घंटे में अगर वो चरण बदलता है तो आप उसका जैसे कहते हैं ना कि भाई क्वेश्चंस uh, पूछ के कि भाई आपके साथ ये हुआ ये हुआ वो सारे प्रिंसिपल्स लेड होते हैं इसमें तो हमें कुछ भी अनुमान लगाना नहीं होता वो तो ठीक है मैडम मैं तो खाली मेरे को यही दिमाग में आ रहा है कि जैसा एक्यूरेट टाइम नहीं है ठीक है जैसे कोई मेरे आया बोला मेरा शाम बराबर तो वह टाइम में 6 बजे का है 7 का है 8 का है तो उस समय तो वो जो चंद्रमा है वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट से आगे चल चुका है ना तो उसके रिजल्ट आने में कुछ ना कुछ हमको, 100 की जगह एक्यूरेसी मिलेगी ऐसा होगा क्या देखो उसमें आपको चालीस से साठ परसेंट एक्यूरेसी मिलेगी अगर उसने कहा कि मेरा जन्म 6 से नौ के बीच में हुआ है शाम का तो 6 से 9 के बीच में जब आप एस पी सी देखोगे नहीं। तो उसमें आप ये देख लोगे कि भाई अगर मान लो कि मान लो कि भाई चंद्रमा नहीं बदला चंद्रमा जाके बदलता है साढ़े आठ के करीब चरण तो मान लो उससे पहले कोई और ग्रह बदल गया किसी और चरण में आ गया तो जो उसका जो रिजल्ट होगा तो आप दोनों रिजल्ट्स उसको पूछ सकते हो ना कि भाई क्या तेरे भाई के साथ ऐसा हुआ या तेरे पिता के साथ ऐसा हुआ तो वो अपने आप सामने से आपको बताएगा हाँ ये हुआ हुआ था मेरे साथ या जब जन्म वक्त था तो ये हुआ तो उस हिसाब से आप उसका एक तरीके से इसको कह लो कि भाई बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप उसके अनु, अनुमान लगा के भी उसको पूरी जजमेंट आप दे सकते हो तो मैडम इसमें बीटीआर भी सिखाया जाएगा बीटीआर नहीं सिखाया जाता इसमें सिर्फ आपको जो जिस तरीके से जैसे मान लो किसी की कुंडली नहीं है उसका सिर्फ डेट डेट है आपके पास टाइम भी नहीं है उस दिन टाइम जैसा कि आपने आप उसको लोगे कि पहला पहर दूसरा पहर और तीसरा पहर और चौथा पहर पहर चार पहर में आपने सारे उसके लिख के रख लोगे कि भाई चंद्रमा इधर था इधर था और इधर था उस हिसाब से आप जो है फिर उससे प्रश्न करोगे तो इस हिसाब से उसका बीटीआर इस तरीके से यहाँ पे गया ऐसा नहीं होता कि भाई हम बैठ के जैसे केपी में या वैदिक में बीटीआर होता है उस तरीके से इसका बीटीआर नहीं होता है ओके। मैम एक क्वेश्चन है जी uh, मैम जैसे मेरे ग्रह तीन पिचपन पे बदल गए ठीक है इवनिंग हाँ? में हाँ, तो जैसे कई लोगों से पूछवाया जैसे कुछ तो तीन पिचपन के हिसाब से बताते हैं और कुछ चार बजे के बाद बताते हैं तो कंफ्यूजन uh, क्रिएट रहता है हमें अब अभी तक हुआ रखा है जैसे कुछ पूछते हैं जैसे आपने बत, बताया कि हम अनुमान लगाते हैं पूछ के तो पहले वाले भी, हाँ। भी सही रहते हैं तीन चार बजे पहले वाला भी सही रहता है और चार बजे के बाद वाला भी सही रहता है हाँ उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ की हाँ उसका रीजन ये है दिनेश जी आपका जो बीटीआर हुआ है वो अभी तक या तो सिर्फ कुंडली के जो लगन चार्ट है उसपे हुआ है या भावा चार्ट पे हुआ है अब भावा चार्ट और लगन चार्ट सिर्फ आपको मोटा मोटा ये पढ़ देते हैं चंद्रमा का नक्षत्र ये है बाकी नक्षत्र ये लेकिन उसका जैसे कि अब आगे थोड़ा सा सरकेगा और या चेंज होगा तो हर एस्ट्रोलॉजर उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करता है लेकिन जब इसी चीज को आप एस बी सी पे लगाओगे तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी उसका रीजन क्या है कि जब वेद होता है सामने जब ग्रह एक दूसरे पे वेद करते हैं उसका क्या असर एस में लिखा है वो कोई ने, किसी ने आज तक आपको पूछा नहीं तो जब हम वो पूछेंगे आपसे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि तीन पचपन सही है या चार बजे वाला सही है उसमें वेद वे अच्छा हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उसमें आप पूछेंगे हाँ क्योंकि उसमें पूछा ही जाएगा ना कि हम देख रहे हैं कि भाई इस पे ये वेद आ रहा है मान लो मंगल का वेद आ रहा है चंद्रमा के ऊपर तो हम ये पूछेंगे कि भाई आपकी मदर के बड़े भाई हैं मदर के बड़े भाई इस तरीके से थे मदर के बड़े भाई का ये काम था तो अपने आप पता चल जाएगा ना आपको जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 मैम जी, जी, जी मैम थैंक यू ये, जी कब सिस्टम आ, मैं टीम से कह रही हूँ अभी वो स्क्रीन शेयर करेंगे ये जो है ये सेम सुबह की क्लासेस रहती है अराउंड आपका ग्यारह बजे से और दो घंटे की क्लास होती है और इसका जो दिन रहेंगे वो रहेंगे सैटरडे एंड मंडे सैटरडे शे, मंडे ठीक है थैंक यू मैम Uh, जी जैसे कि आपने बोला कुंडली में इसका यूज होता है तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो, भी पता पड़ता है, वो ये दोनों की कुंडली जब हम एस बी सी पे डालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई कौन सा प्लेनेट किसको वेद कर रहा है या कौन सा प्लेनेट कहाँ पे लत्ता मार रहा है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे आप इसको आ, कहां से प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा उसका जो है फिर आप उसको अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं रेमेडीज okay, भी है इसमें नहीं इसमें रेमेडीज नहीं होती हैं ये सिर्फ एक नॉलेज और एक जरिया है आपको बारीकी तक जाने का कि भाई कैसे कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम है सॉल्यूशन okay, so हम दो ले. सोलूशन जो है वो आपको बाकी एस्ट्रोलॉजी जो वेदिक है या के उससे आपको मिल जाएगा क्या मैम अभी आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है उस वो स्क्रीन में जो है उस हिसाब से अभी आपको पता चल जाएगा प्लीज गो टू द सेकंड स्लाइड एसपीसी का जो कोर्स कंटेंट रहता है एसपीसी नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है और पंचशाला जाएगा वेद कैसे और क्या किस कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ वेद करेगा वो सारा बताया जाएगा तिथि एनालिसिस कि जो हमारे पास भद्रा पूर्णा और ये जो तिथि में हम पैदा होते हैं क्या क्या इसका मतलब रहता है अक्षर कि हमारे जो स्वर और अक्षर जो हमारे नाम रखे जाते हैं उसका क्या क्या हम पे असर आता है जो हमें जिस नाम से बुलाया गया है अभी तक जैसे बचपन में और अभी में हमारे दो नाम है घर में अलग और बाहर में अलग तो हर दोनों नाम का आप पे क्या असर आ रहा है वो भी इससे बताया जाएगा और आ, इसमें जो है कि कैसे दो ग्रह आपस में जब वेद करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आ सकता है और एस एम टी एस एम टी का मतलब यह है कि भाई आपका जो ग्रह है वो कैसे आपका कहाँ लता और कहां पे आपको इफेक्ट आ रहा है अगर मान लो कि एक जो सूर्य है वो ईस्ट की तरफ वाले नक्षत्र में बैठा है तो वेस्ट की तरफ वाले या नॉर्थ और साउथ की तरफ वाले में वो कैसा बिहेव करेगा उसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी आपको एस से पता चलता है उपग्रह जो उपग्रह है वो फाइनेंशियल मार्केट के एनालिसिस में हमें मदद देते हैं और कोर्स कि भाई लता आपको कब लगने वाली है किस समय के कर लगेगी उस हिसाब से आप अपने को क्या प्रिकॉशन ले सकते हो तो वो भी आपको इसमें सिखाया जाता है नेक्स्ट uh, स्लाइड क्या देंगे और कितनी है? Uh, आप, आपके सामने आ रहा है ये सत्रह सितंबर से स्टार्ट होगा दो मंथ्स का कोर्स है इट इज आई थिंक यहाँ पे ट्यूसडे एंड थर्सडे लिखा है इलेवन ए एम हाँ ट्यूजडे एंड थर्सडे है सॉरी सैटरडे एंड मंडे नहीं है ट्यूजडे एंड थर्सडे ग्यारह बजे की क्लासेस रहेंगी अः uh, सिक्सटीन प्लस क्लास रहेगी और uh, इसके सेशन जूम पे लाइव सेशन होते हैं और आपको जूम की रिकॉर्डिंग भी हमारी ऐप आप में आपको मिलती है और डाउट क्लियरिंग सेशन हम मेरे जो एक स्टाइल है कि भाई डेढ़ घंटे की मैं क्लास लेती हूँ और आधा घंटा सारी क्लास का जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग उसी वक्त सॉल्व करके नेक्स्ट टॉपिक uh, पर जाते हैं और बाकी आपको एकेडमी की मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेशन मिलती है और ऑफकोर्स आपको इस कोर्स uh, का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है नेक्स्ट प्लीज अः uh, इसकी जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारी एकेडमी से कोई भी कोर्स नहीं किया है उनका जो हमने एम है इसकी ट्वेंटी वन थाउजेंड है आफ्टर डिस्काउंट इट इज ट्वेल्व थाउजेंड नए पार्टिसिपेंट्स के लिए और जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमसे कोई भी कोर्स किया हुआ है उनके लिए दस हजार आफ्टर डिस्काउंट इसकी फीस रहेगी दो महीने की इसको आप आ, बाकी आ, हमारी एकेडमी जो है इसको इंस्टॉलमेंट्स पर भी लेती है वो आप आ, टीम से बात कर सकते हैं और आ, दूसरा जो और ये वन टाइम रिपीट हम फ्री भी देते हैं यानी जिन्होंने लास्ट टाइम ये कोर्स किया था वो लोग फ्री आपकी क्लास में आएंगे जो तो सेकंड ये सेकंड टाइम ये कोर्स वापस आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज और या और ये जो स्क्रीन पे आपके नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मैडम इसमें प्रैक्टिकल कुंडली भी लगाई जाएगी क्या जी जी जब हम पढ़ेंगे उसको तो हर सेशन जो रहेगा उस समय किसी ना किसी की प्रैक्टिकल कुंडली पे ही आप रूल्स को समझोगे ओके जी कब से स्टार्ट है आपने मेंशन किए? सेवेंटीन सितंबर से स्टार्ट है ट्यूसडे एंड थर्सडे की क्लासेस रहेंगी सुबह ग्यारह बजे से और दो महीने का कोर्स रहेगा और इसमें सोलह से भी मतलब सत्रह अठारह क्लासेस होती है तकरीबन क्योंकि बाकी जो है थोड़ा से प्रैक्टिस क्लासेस भी हम लेते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और उसमें जो है रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहेंगी। हाँ जी मैम आपने बताया भी, इसकी रेमेडीज नहीं होंगी जैसे तो चल गया हमें तो हमें उसके उपाय तो उपाय तो करने पड़ेंगे ना उपाय फिर आप नहीं बताएंगे तो ऐसे करेंगे सर ये मैं सिर्फ आपको आ, वो जो कोर्स है उसका वो बता रही हूँ उपाय जो है आपको लाल किताब से मिलते हैं इसमें कोई महादेव जी ने हमें कोई उपाय नहीं उन्होंने वो एक गेम बताई कि भाई इंसान कैसे अपने उसमें उलझता है और हम ये कैसे वो देख सकेगा कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है अब बाकी जो आचार्य और जो हमारे साधु संत थे उनको तो उपाय खुद अलग से पता होते थे ना वो तो आपको बाकी एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म्स भी बता सकती हैं उपाय वेदिक के कितने उपाय हैं लाल किताब के कितने उपाय हैं और बाकी उसमें तो इसमें उपाय नहीं एज सच होते इसमें कोई रेमेडी नहीं आती है मैडम इसमें रेमेडी नहीं मिलेगी तो दूसरी किताबों का अलग अलग निष्कर्ष रहेगा इसका अलग रहेगा तो दोनों में डिफरेंस होगा ना रेमेडी देने में डॉक्टर तो आपने ऐसा नहीं है सर लेकिन के बारे में नहीं नॉलेज मिलेगा तो हम अधूरे डॉक्टर हो गए ना अभी नहीं, जैसे अधूरे डॉक्टर नहीं है लाल किताब नहीं है ठीक है ना वो कैसे रेमेडी देंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए आपके मैनेजमेंट को जो स्टूडेंट आएंगे जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो कहाँ जाएंगे फिर लाल किताब कोर्स करने जाए फिर पीली किताब करने को जाए ये तो फिर नहीं हुआ ना अधूरा ज्ञान हो गया ना या तो पूरा दो सर हम एस बी सी आपको पूरा ज्ञान दे रहे हैं इसमें रेमेडीज ऊपर वाले नहीं हमें नहीं दी तो हम कहा से देंगे आपको मैडम ये तो कोई आंसर नहीं हुआ आपने हमको बोला लाल किताब की ले लो वैदिक की ले लो तो आप भी यहाँ पे मिक्स करके हमको दे दो ना ताकि हमको बार बार भटकना नहीं पड़े ना सब जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको आंसर मिले ना कोई हमारे पास में क्लाइंट आया हम उसको ये देख के बोल देंगे हाँ आपको कैंसर हो गया उसका हम मेडिसिन ही सजेस्ट नहीं कर सकते तो फायदा क्या हुआ हमारा डॉक्टर बनने का बराबर है तो जो, जो रेमेडी है वो आपको वैदिक में मिलेगी तो जो कर लो ना फिर कोर्स फिर क्यों करें एचबीसी उसमें करा रहे हो आप नहीं तो आपकी मर्जी है आपने आपने करना है ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि मैं सब पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ अधूरा ज्ञान मत दीजिए देना तो पूरा दीजिए आप, आप, आप अगर हमारा कोई तो पुराना पुरान स... उनको दे दो वो हमको रेमेडी देंगे या वैदिक वाले को ले लो आपके साथ में टाइप करो वो देंगे कुछ तो देना पड़ेगा ना आधा अधूरा ज्ञान लेके क्या करेंगे हम बजाएंगे सर आपकी मर्जी है आपने क्लास में आना है आप आए कि मेरे पुराने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं पिछले चार साल से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ

हम आधा किसी को नहीं देते दे, हम पूरा ही सिखा के भेजे डॉक्टर बना दिया आपने दिया आपने सर्टिफिकेट दे हम किसी को के लिए सजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हाँ, बीमारी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये तुमको बीमारी है ये बीमारी है ये आपको वेद कर रहा है ये लता दे रही है लेकिन उसका रीजन नहीं देंगे उसको सोल्व करने के लिए तो फिर क्या होगा आज आप किसी के पास जाओ आपको कोई ये बोल दे तो आप सेटिस्फाइड होंगे क्या नहीं होंगे मैं दूंगा मैं नहीं हूँ इसके ऊपर विचार करना चाहिए आपकी संस्था को बाकी बहुत बड़ी आपका पढ़ाने रेमेडी का कोर्सेस, रेमेडी कोर्सेज अलग हैं वो इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं क्योंकि एसबीसी की जो नॉलेज है वो अलग तरीके से होती है इट्स फुल नॉलेज इसमें रेमेडीज तो नहीं आती हैं ठीक है ओके मैडम नो प्रॉब्लम आपका जो मैनेजमेंट है वो करो ओके कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको खाली ये इंडिकेशन मिलना होता है कि ये ऐसा हो सकता है रेमेडीज़ की आपकी पॉइंट वैलिड है क्योंकि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड था करने के लिए लेकिन काफ़ी मॉडलिटीज़ में आपको खाली इंडिकेशन मिलती है रेमेडीज नहीं होती आप जो डॉक्टरी की बात कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट भी होता है वो एक्सरे करके बता देगा प्रॉब्लम है लेकिन डॉक्टर अलग होगा जिसके आपके पास जाना पड़ेगा बस खाली ये समीशन है कि मैडम हमें ये बता रही हैं कि ये मॉडलिटी है आप इसको ऐसे सीख लें तो आपका भी है भी पॉइंट है तो है सर वो बढ़िया बढ़िया लेकिन मैं फिर ये आधे अधूरे में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता मैं मेरा बता रहा हूँ तजुर्बा मैं कोई, ये को, कोई भी आए उसको पूरा सेटिस्फाइड करके अपना एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए उसमें सब स्पेशलिस्ट रखते हैं बराबर तो वहाँ पे सब लोग क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए चलो वहाँ उस हॉस्पिटल में चलोल तो यहां हमारी अकेडमी जैसे आपने अभी बड़ा हॉस्पिटल के बारे में बात करी ना हमारी एकेडमी में भी डिफरेंट कोर्सेज है रेमेडीज के भी हर तरह की रेमेडीज के अलग अलग कोर्सेज हैं लेकिन जो हमारे एस की जो नॉलेज है उसमें जब है ही नहीं तो मैं कैसे ऐड करूंगी आपको मैंने कहा कि भाई आपके पास अगर जैसे वेदिक वाले कहते हैं कि ये मंत्र उच्चारण कीजिए मंगल की शांति के लिए ये तो ये सारी चीजें तो मार्केट में आपको वैसे ही बहुत अवेलेबल है अब कौन सी कोई नई रेमेडीज जब आ, महादेव जी ने हमें इसमें रेमेडीज नहीं दी है जो शास्त्र में लिखा है हम वही आपको सिखा रहे हैं और ये नॉलेज खाली इंडियंस नहीं रशियंस भी ले रहे हैं वो नहीं पूछते कि भाई आप रेमेडीज बताएं वो ये जानना चाहते हैं ज्यादा करके इसका, इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल मार्केट में होता है लेकिन उनको आगे नॉलेज नहीं है हम हिंदू को नॉलेज है कि भाई हमारे कुंडली मिलान में होएगा हमें जो तकलीफ आ रही है उसमें होएगा उस हिसाब से हम देख सकते हैं इसको ये एक ऐसा टूल है कि जो आपको अपना दिमाग लगाए बिना आप उसमें आंसर दे सकते हो या आंसर ले सकते हो उससे okay. जैसे हम जैसे आपने बताया तो एक बताइए हेलो हाँ जी हाँ जी जैसे मैंने कोई शेयर ले, लेना है तो उसका डिसीजन मैं कैसे उसका डिसीजन मैं कैसे लूंगा इसी से आप लोग है ना कि भाई अगर आपने शेयर लेना है मान लीजिए कि वो किसी कमोडिटी जैसे गोल्ड में आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको आपको ये पता रहेगा की जब हम कौमोडि, का कमोडिटीज पढ़ेंगे कि किस ग्रह से रिलेटेड है वो ग्रह जब वेद पे आएगा या किसी को वेद करेगा या उस पर किसी का वेद आएगा तो मार्केट का उस कमोडिटी पे क्या असर पड़ेगा यानी उछलेगा या गिरेगा तो जब गिरने वाला है तो आपको पहले से पता है कि भाई इस इस टाइम इस पीरियड में ये गिरने वाला है गोल्ड तो ऑफकोर्स आप इन्वेस्ट करोगे फिर आपको जी जी ये भी पता रहेगा कि करना कि जैसे पूछना चाहता हूँ जैसे मैंने गोल्ड ले लिया आज मान लो सत्तर हजार रूपये का है, मैंने सौ ग्राम गोल्ड ले लिया तो मुझे ये बताएगा ये ये एस बताएगा कि जैसे सत्तर हजार अब ये छह दो महीने बाद ये एक लाख का हो जाएगा ये बताएगा ये कन्फर्म करेगा ये हाँ ये कंफर्म करेगा ना क्योंकि आप गोचर में आगे देखोगे ना कि भाई ये जो अगर मान लो कि धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु बैठा है अब वो गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में उसके सामने किसी का भी वेद नहीं है तो वो स्टेबल रहेगी मार्केट जैसे ही उसपे क्रूर ग्रह का वेद आएगा वो और उछलेगा जैसे ही उसपे चंद्रमा या सूर्य का वेद आएगा वो और गिरेगा उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भाई क्या महीना रहेगा क्योंकि वो तो कैलेंडर से आप देख लोगे ना कि भाई मान लो दो महीने के बाद जो है वो दिस... तो वो डेट आप डालोगे कि भाई एक से लेके सत्रह दिसंबर तक क्या गुरु पे किसका वेद आने वाला है कैसा रहने वाला है जी, 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 तो जी, उस जी, हिसाब से फिर आप उसको देख सकते हो ना अच्छा अच्छा जी मतलब ये ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गया ये यानी कि ये बताएगा ये दस तारीख से सत्रह सत्र, एक हफ्ते के अंदर ऐसा रहेगा आप ये ये कर लो मतलब सब कुछ शेयर म्यूचुअल फंड गोल्ड मतलब ये सारी फाइनल कमोडिटीज बताएगा हाँ सारी कमोडिटीज बताएगा इवन कि ये कंपनीज अगर आपने मान लो रिलायंस के शेयर खरीदने हैं तो रिलायंस र और ई तो उसपे भी अगर उसपे जो वॉवल्स और जो अक्षर है उसपे भी अगर वेद आ रहा है तो ये वो भी आपको बता देगा कि ये ये वाले ये वाले अक्षरों पे वेद है तो अच्छा। ये जो अक्षरों के नाम से जुड़ी हुई कंपनीज होंगी वो उठेंगी या गिरेंगी अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है मतलब इतना ये कंफर्म कर देगा ना हां जी, हां जी। हां थीक, थीक, हाँ जी हाँ जी ठीक है थैंक यू मैम हाई मैम सॉफ्टवेयर हैं इंक्लूड फीस Anji? Uh, Ma'am, this is Sonia here. Uh, Ma'am, ma I'm not seeing your uh, this thing. I've just joined in. I I joined in late. I was just listening to your things. Uh, I'll get a recording of this, right? Yes, yes. It is a recorded uh, webinar. Okay. One more thing is I wanted to ask uh, this is uh, eligible for only <clears throat> for share market or even finances also. If you blockage, hai? तो वो, हाँ, वो भी... सारी चीजें जो जो आपको कुंडली दिखाती है ना वो हर चीज आपको एसबीसी बताता है। ओके। सो इट इट अ डिफरेंट ऑफ इज़ देयर एंड यू हैव टू एस पासे डालने रहते हैं ऐसा कुछ है व्हाट इज़ थिंग। नो नो इट्स लाइक जैसे कि uh, आप ये देखोगे की चक्रई सी यून माइंड

विडमी uh, और आप हाँ. बाकी भी यू कैन रीड अबाउट मी ऑन ऑनलाइन और दूसरा रेकी uh, 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 आपने, आप, आपने सिखाई है सॉरी आई टीच लाल किताब आई टीच के पी आई टीच एस बी सी आई टीच

एंड वॉट सॉरी ये लेवल of... वो सारी वो सारी चीजें नहीं बताता आपको चक्रास या हीलिंग के उससे कुछ भी ये नहीं बताएगा ये okay. आपको सिर्फ आपके ग्रह कैसे बैठे हैं ग्रह पे किसका वेद हो रहा है ग्रह कौन से नक्षत्र में है कौन से चरण में है क्या उसका इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ पे खाली यही बताएगा ओके बट एक ट uh, uh, right? का इसमें हाउसेज नहीं है इसमें कोई भी हम हाउस नहीं पड़ेंगे इट इज अक्रा विच शोज यू की प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है हर राशि के पास टू एंड हाफ के नक्षत्र पड़ जाते हैं तो वो जो हर राशि है उसके अंदर अगर प्लैनेट है और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण पर है उसका क्या इफेक्ट है वो ये बताएगा ओके सो इट इज इंडिविजुअली फॉर एवरी टू एंड आपके नक्षत्र के ऊपर योर योर एनर्जी या दिस इज बेसिकली नक्षत्र थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन नक्षत्र थ्योरी क्षत्रीसी so we'll नक्षत्रा right? के, yeah, इसको इसको के बारे में जो है देट इज अ डिफरेंट वो अलग से उसका कोर्स है अच्छा तो इसमें कवर नहीं होगा वो नहीं देव अंडरस्टैंड नक्षत्र 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 no ऐसा कुछ भी भी नहीं। attributes नहीं इसमें के पता हो, तो भी आपको चल जाएगा। कि भाई प्लेनेट टू प्लेनेट वॉर है स्टार वॉर like कि भाई पूरे अंतरिक्ष में कहाँ पे कहां पे प्लेनेट है और क्या आपस आप में उनका लड़ाई हो रही है कौन उसको देख रहा है कौन किसको देख रहा है उसके बेसिस पे रिजल्ट आपको पता चलेंगे देखो अगर कुंडली देखनी नहीं आती तो भी आप एसबीसी कर सकते हो बिकॉज इसमें हम कुंडली नहीं देखते हम इसमें सिर्फ बंदे की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं और उसको एसबीसी पे बिछा देते हैं और उसको फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं ये ऑर्गन के पेन होना चाहिए इट बी समिंग टू मी क्लिकिंग हाउ वी कैन वर्क आउट सॉरी i'll I'll have to go through it again. Uh, I'll what I'll do, I'll go through your webinar and then I'll get back to you if you don't mind. Sure, sure. I, I understand whatever I'm understanding it is a good uh, uh, modality, but I think uh, as we'll have to take it a little more deeper into it. So I'll just go through it. Let me see how it's working because So I'll take the knowledge of that also if that's the case. and then I'll get back you're, you're, you're starting on seventeenth right, ma'am Yes okay okay that, that, thank you thank you ma'am okay, sorry okay. no problem i guess we have covered enough so uh, please contact for further details in the academy and your uh, first class am um, whoever wants to join in we will keep the first class open and free for all तो ताकि आप एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं और जिनको समझ में आए कि जो करना चाहे देन दे कैन प्रोसीड फ्रॉम द सेकंड क्लास थैंक यू